हमारे YouTube चैनल नॉलेज फटाफट पे, मेरा नाम है विशाल प्रजापति। तो गाइज अभी अभी AK2 छात्रों के लिए बड़ी गुड न्यूज आ रही है। गुड न्यूज ये है कि AK2 के इन सभी छात्रों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। जी हाँ गाइज, किन कोर्स के किन ईयर के छात्रों का रिजल्ट आया है सारा कुछ आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं रिजल्ट कैसा आया है, बाकी बचे हुए छात्रों का रिजल्ट कब आएगा। यार यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो 10-10-22, मतलब जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि 10 अक्टूबर की डेट में किसी भी छात्र का जरूर रिजल्ट आएगा, लेकिन शाम तक रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन आपको बता दूँ रात में ये डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हो बीटेक फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट, मतलब बीटेक सेकेंड ईयर का रिजल्ट कल रात में डिक्लेयर कर दिया गया। तो मैंने आपसे बोला था कि 10 तारीख को आएगा, बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि आप गलत बता रहे थे। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देख लो 10-10-2022 साफ साफ डेट है और फोर्थ सेमेस्टर है, बीटेक सेकेंड ईयर के छात्रों का रिजल्ट आ चुका है। जाओ अपना रिजल्ट चेक करो, आपका रिजल्ट कैसा आया कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी सबका रिजल्ट अच्छा है। बाकी बी फार्म MBA के रिजल्ट की बात करें तो उन लोगों का भी रिजल्ट इसी हफ्ते आ जाएगा, जैसे ही आएगा आपको बताऊंगा। बाकी बता दूं रिजल्ट कहाँ से चेक करना है, चलिए आपको बता देते हैं। ये सभी चीज़ों पर हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आपको करना क्या है, क्रोम ब्राउजर पर boardsexam.com/AK2 रिजल्ट सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने ये पहला वाला इंटरफेस आएगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। नया इंटरफेस आएगा, आपको सिंपली सामने यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है। देखो रिजल्ट आपको पता होगा पहले 4-5 बजे शाम के बाद आता था। हर बार क्या होता है कि 5 बजे शाम के बाद AK2 रिजल्ट डिक्लेयर करता है, लेकिन अब क्या हुआ है कि AK2 कोई टाइम फिक्स नहीं है। कई बार क्या होता है AK2 12 बजे दोपहर में ही रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। तो इस केस में आप लोग यहाँ बोर्ड एग्जाम पर आके 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद आके यहाँ पर जो AK2 1 View का ऑप्शन है क्लिक हियर वाला, यहाँ पर आके अपना रोल नंबर और डाल के अपना एक बार रिजल्ट चेक करते रहिएगा, समझ गए। क्योंकि